करना की अपने विचारक के नरेश खत्री जी से मैं चलो जी धन्यवाद। और कोई भी व्यापारी हमारे भाई साहब आ रहे हैं इनसे इनका धन्यवाद। विष्णु जी सुधनगर से कोई भी आके कहीं भी खड़ा हो जाएगा तो रास्ता रोक कर पानी का रास्ता मेरी बात सुनो सर, सर आपका सीलिंग को लेकर क्या आपको कहना है? हमारा ये कहना है सीलिंग को लेकर कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। आज व्यापारी वर्ग सब सड़क पर है क्योंकि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ कमर्शियल है नहीं और एनसीडी हम लोगों से नरेला के लोगों से कमर्शियल चार्जेस लेना चाहती है, जबकि हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट और ऐसे तथ्य हैं कि जिनमें ये लोकल कमर्शियल कराया जाता है जिसको कि एमसीडी मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से व्यापारी संगठन को कांग्रेस परिवार को कांग्रेस पार्टी को यहाँ आना पड़ा और धरना देना पड़ा जिसमें कि डीसी नदारद है, डीसी यहाँ आना नहीं चाहता। तो हम बात किससे करें, बहुत बड़ी विडम्बना ये है कि आज व्यापारी जो है ना वो रिक्शे वाला भी व्यापार कर रहा है, आज एक रेडी पर्डी वाले का भी व्यापार है, आज एक दुकान वाले का भी व्यापार है। पहली बात तो जीएसटी और नोटबंदी ने मार दिया हमें, अब इनकी सीलिंग ने मार दिया। ये दिल्ली में क्या करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं हम लोगों को खुल के और हमारे सामने स्पष्ट करें। स्पष्ट करना नहीं चाहते, अधिकारियों को भेज के सीलिंग कराने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? ऐसा कैसे होगा मांगे नहीं माननी जाएंगे, माननी पड़ेंगी इन्हें। पूरा जन सैलाब है यहाँ, हर आदमी आपने देखा हो हजारों की तादाद में आदमी है और इनको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो डीसी ऑफिस को ताला लगाएंगे और डीसी को यहाँ से भगाएंगे।